Okay, so everybody clear with scarfing and stiffening? Yes, ma'am. उसको लाइट ग्रीन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक में हो चुका है. Yes, ma'am. ओके, कैलेंडरिंग क्या है? कैलेंडरिंग कुछ नहीं होता है, एक आयनिंग का प्रोसेस है. उसको ही थोड़ा सा हाई फंडा लैंग्वेज में उसको कैलेंडरिंग बोला गया है कि अगर कोई व्रिंकल्स है या फिर कपड़े का जो स्मूथनेस है वो बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोसेस करते हैं? कैलेंडरिंग प्रोसेस करते हैं. ओके, देयर इज नथिंग. ये जो चैप्टर है ना, मीन्स लास्ट बैच के बच्चों ने बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया था और उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा था. इसके जो कुछ वर्ड्स है, हमें लगता है, लग सकता है कि अरे ये कितने डिफिकल्ट वर्ड्स है, तो कुछ टर्म वर्ड्स तो हम याद रख ही सकते हैं ना. और हमें हर एक क्लोथ है, हम रोज कपड़े पहनते हैं, हम फंक्शंस अटेंड करते हैं, हम हर एक कपड़े को अलग से बिहेव करके रखते हैं, उसको अलग से संभालते हैं. तो हमें ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा सिंपल जाना चाहिए. ठीक है, अभी स्पेशल फिनिशेस. स्पेशल फिनिशेस में प्री श्रिंकिंग. अभी प्री श्रिंकिंग क्या है? जैसे मैंने लीनन का बताया था, लीनन के लिए क्या करते हैं, पहले ही उसका जो कपड़ा है उसको श्रिंक करके रखना, या फिर मतलब उसे पहले ही वॉश करके रखना, तो उससे क्या होता है, बाद में जो कपड़ा है वो श्रिंक नहीं होता. आपको वो जो साइज है वही साइज पर लेना पड़ता है. तो ये प्री श्रिंकिंग प्रोसेस होती है. इसमें क्या करता है, अगर कोई कॉटन कुर्ता है आपका, आपने बॉट लाया, तो फर्स्ट वॉश के बाद क्या होता है, श्रिंक होता है. तो श्रिंकेज का मतलब क्या होता है, रिडक्शन. कोई भी फैब्रिक का रिडक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, हम श्रिंकेज बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे देखो लिनन का एग्जाम्पल दिया है, वुलन्स का एग्जाम्पल दिया है. तो ड्यू टू श्रिंकेज क्या होता है, हम अच्छी क्वालिटी का कपड़ा लेते हैं और फिर बाद में ऐसे हो जाता है. तो इसलिए एक गुड क्वालिटी अगर किसी को मेंटेन करनी होती है, तो जैसे नहीं हम कोई स्वेटर्स लेते हैं या फिर कोई कपड़ा लेते हैं, तो हम पूछते हैं मार्केट में जाके कि व्हाई यू आर सेलिंग दिस, सेम है ठीक है, बट ये 300 रुपीज का और ये 3000 रुपीज का है, व्हाई देयर इज सच ए डिफरेंस इन दिस प्राइस. ओके, तो उसका जो फिनिशिंग है, वो जो कपड़ा है उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट है, आप वो जो कपड़ा हाथ में लोगे तो ही आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि अरे नो इट इज समथिंग डिफरेंट, दिस क्लोथ इज रिच, इसके ऊपर कुछ अलग ट्रीटमेंट हुआ है और ये जो क्लोथ है इसके ऊपर ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ है, जैसे नहीं समझ में आता है हमें हाथ लगाते से. तो ये प्री श्रिंकेज जो है, और इसको प्री श्रिंकिंग को क्या बोलते हैं, सैंथ्रोनाइजेशन. सैंथ्रोनाइजेशन क्या होता है, प्री श्रिंकिंग का ही प्रोसेस होता है, बाकी उसमें कुछ इलैबोरेशन नहीं है. जो वॉश करने से पहले उसको श्रिंक करना मार्केट में लाने से पहले उसे बोलते हैं प्री श्रिंक, और एक टर्म है उसका सैंथ्रोनाइजेशन. ओके, देन मर्सराइजेशन. अभी मर्सराइजेशन क्या है, मैंने वो बोला है एकदम स्टार्टिंग में ही, कोई भी क्लोथ्स है उसके अगर स्ट्रेंथ बढ़ानी है, उसको अभी इसमें और कुछ कुछ लिखा है कि व्रिंकल फ्री बनाना है, उसके जो थ्रेड्स है थ्रेड स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो उसको क्या करते हैं, मर्सराइज करते हैं. तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड में रखते हैं, तो उससे क्या बनता है, वो जो फैब्रिक है स्ट्रॉन्ग बनता है, लश्रस बनता है और ऑब्जर्वेंट बनता है. कभी किसी ने ऐसे नोटिस किया है, हैव यू एवर नोटिस्ड, आपने कोई बहुत ज्यादा चीप फैब्रिक लाया मार्केट में से और आपने उसे सोक किया वाटर में, बट वो सोक ही नहीं हो रहा, किसी ने नोटिस किया है, बोलिए. नो मैम, मैंने किया है नोटिस. मैंने कोई फैब्रिक लिया था, कुछ तो 120 रुपीस का ही था, मैंने सोचा ठीक है क्लीनिंग के लिए काम में आ जाएगा, बट वो वाटर ही अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर रहा था, और क्लीनिंग के लिए काम करने के लिए तो पानी ऑब्जर्व करना चाहिए ना उसमें, तो मुझे उससे क्लीन भी करते नहीं आ रहा था. तो उसके ऊपर जो है ये जो मर्सराइजेशन का प्रोसेस है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये सॉल्यूशंस में वो जो उसे डिप करके रखते हैं, वो हुआ नहीं था इसलिए ऐसे हो रहा था. देन पर्सनाइजेशन. अभी ये क्या है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें थोड़ा सा जैसे अभी इसमें जो है
थोड़ा सा फैब्रिक को मर्सराइजेशन में लश्चरस बनाया है, स्ट्रांग बना रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, फैब्रिक को थोड़ा सा उसका जो लाइट वेट बना रहे हैं, या फिर वो फैब्रिक को अगर आपको थिन बनाना है, जैसे नहीं आई थिंक 2000s में वो एक इरा आया था, गर्ल्स और बॉयज दे यूज टू यूज वेयर दोस ट्रांसपेरेंट टी शर्ट्स, तो ये कौन से प्रोसेस से होते हैं, मर्सराइजेशन से। तो इससे क्या होता है, आप उसे स्टार्च फैब्रिक कर सकते हो, उसे वो जो फैब्रिक है उसे थिन बना सकते हो, उसे स्टिफ बना सकते हो, ओके इस विद दिस प्रोसेस। देन वॉश एंड वेयर, तो वॉश एंड वेयर क्या होता है, मैं आपको रफली बताऊंगी विदाउट रीडिंग दिस, आप ये पढ़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे जो स्कूल यूनिफॉर्म्स होते हैं, नॉर्मली कोई भी हाउस होल्ड में किसी स्टूडेंट के लिए एक स्कूल यूनिफॉर्म, दो स्कूल यूनिफॉर्म इफ समबडी किसी ने लिया है, मैक्सिमम 3 स्कूल यूनिफॉर्म, उससे तो ज्यादा कोई लेता नहीं है। तो ये जो स्कूल यूनिफॉर्म्स हो गए, या फिर कोई कंपनी है, कोई कंपनी में आपको कोई यूनिफॉर्म पहनने के लिए लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो ऐसा तो यूनिफॉर्म लेंगे नहीं ना कि आप उसको वॉश करके वेयर ना कर पाओ, वो तो ऐसे ही लेंगे क्योंकि आपको यूनिफॉर्म डेली पहनना है, तो आपको वो डेली वॉश करना है, तो डेली वॉश करना है तो डेली क्या होना चाहिए, वो अच्छे से ड्राई होना चाहिए, पॉसिबली उसको लो आयरनिंग और लो मेंटेनेंस की जरूरत होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं एक सिक्योरिटी गार्ड का, कि उसको कैसे उसका यूनिफॉर्म रोज धो के पहनना पड़ता है और वो जल्दी से क्रश हो जाता है, या फिर उसको क्रश नहीं करना है, तो ये एक वॉश एंड वेयर होता है कि रोज भी आप उसे पहनो, रोज भी आप उसे धो, तो जल्दी से वो ड्राई हो जाना, ज्यादा उसको मेंटेनेंस नहीं लगना, तो ये होता है वॉश एंड वेयर टेक्निक। फिर डाइंग और प्रिंटिंग, डाइंग और प्रिंटिंग को मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं बस एक इमेज बता दूंगी। ये टाई डाई मेथड तो हमने देख ही लिया है, ये देखिए आप ऐसे घर पे भी कर सकते हो, टर्मरिक पाउडर H2O में डाल दिया, फिर ये कर्पूरम एक्सट्रैक्शन है, फिर इसमें आपने डाइंग कर लिया, और फिर आपका जो एक क्लोथ है वो पूरी तरीके से येलो हो गया। सो दिस इज द साइंटिफिक मेथड ऑफ डाई, ओके। तो इसमें ये सब बता भी रहे हैं कि कितने टेम्परेचर में रखा है, कैसे रखा है। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो कि कैसे जो ये क्लोथ्स है इसको डाई करके रखा है। तो डाई करना कैसे होता है, कलर जो सोल्यूशन है उसके ऊपर, उसके अंदर डिप करके रखते हैं। जैसे मैंने बोला था कि मेरा जो ये ब्लू कलर का जो ड्रेस है वो ब्लू कलर ब्लीड कर रहा है, तो वो पूरी तरीके से वो क्लोथ में ऑब्जर्व नहीं हुआ होगा, इसके लिए दैट कलर इज ब्लीडिंग। सो दिस इज डाइंग मेथड। देखो ऐसे पूरा जो पानी है उसमें कलर सॉल्यूशन में उसको ये करते हैं, और ये जो क्लोथ है यहाँ पे ये डाई होके निकल रहा है, ओके। क्योंकि जो फाइबर है उसको नेचुरल कलर नहीं होता है, उसको डाई करके ही क्या होता है उसके अंदर कलर आता है। और ये देखो ये बड़ी बड़ी मशीनरीज है, ये मशीनरीज में उसको फिनिशिंग दी जा रही है, टचअप किया जा रहा है, आयरिंग की जा रही है। यू कैन सी दिस डाइंग प्रोसेस। अभी मैं प्रिंटिंग प्रोसेस दिखाना चाहूंगी। ये देखिए ये बड़ी बड़ी मिल्स है, जैसे नहीं हम बेडशीट्स देखते हैं, कोई कलर्स देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि मिल्स, आई डोंट नो कि आपने कभी सोचा होगा कि इसके ऊपर प्रिंट कैसे आया होगा। तो ऐसे रोलर्स होते हैं, यहाँ पे देखो ना पीछे हर एक जैसे
हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का जो प्रिंटर होता है उसमें हम जो कार्ट्रिज डालते हैं कलर का, तो उसमें जैसे अलग अलग कलर्स होते हैं, तो वैसे देखो हर एक कलर जो है एक सॉल्यूशन में लिखा गया है, फिर कंप्यूटर उसको प्रोग्राम देता है और जहाँ पे जो कलर ज्यादा होता है जैसे ये प्रिंट करके आता है। और ये कंप्यूटराइज प्रिंटिंग होती है कि आप वहाँ पे कमांड्स दे दो कि ऐसी प्रिंटिंग चाहिए, ये प्रिंट चाहिए, तो आपका जो भी क्लोथ है उसके ऊपर ऐसी प्रिंट होके हाउएवर यू वांट जो है प्रिंट है वो आ जाती है। ये देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंट्स, इन्यूमरेबल प्रिंट्स, यहाँ पे देखिए प्रिंट्स हो रही है। ये देखो क्लोथ जो है पूरा प्रिंट होके कंप्यूटराइज्ड वे में प्रिंट होके निकल रहा है। ओके, और ये जो रोल्स होते हैं ये रोल्स उसके ऊपर, जैसे हमने ये देखा स्टैम्प प्रिंटिंग देखी, ओके, उसमें कुछ प्रिंट्स होती है या फिर टेक्सचर्स होते हैं, उससे वो आयन भी करती है ये सब चीजें, एक फिनिश प्रोडक्ट में जो है क्लोथ को निकाल के भी रखती है, एक लुक देती है लक्जरियस। सो इज दिस क्लियर एवरीबडी? डाइंग प्रिंटिंग, यस मैम। ओके। तो अभी डाइज में कौन से डाई होते हैं? ऑब्वियसली नेचुरल डाइज होती है। अभी नेचुरल डाइज में क्या है, मेहंदी है, मजिस्टा है, नील है, हल्दी है। ओके, ये नेचुरल डाइज आप कर सकते हो आपके क्लोथ को। मैंने कभी किया नहीं है, सो प्लीज डू नॉट आस्क मी, आई हैव नॉट डाइड, बट आई मैंने फैब्रिक पेंटिंग की है वो मैं बोल सकती हूँ। सिंथेटिक डाइज होती है जो मार्केट में डाइज आती है आपके कपड़ों पे डाई करने के लिए, बट उससे क्या होता है वो थोड़ी सी एसिडिक होती है नेचर में, तो कभी कभी आपको उससे स्किन एलर्जीज हो सकती है सिंथेटिक डाइज से। देन एप्लीकेशन ऑफ डाई, तो अभी इसमें फाइबर स्टेज, अभी यहाँ पे देखिए मैं एक बताना चाहूंगी, जो डाइंग प्रोसेस होती है ना, हर एक जो क्लोथ होता है उसकी डाइंग अलग होती है। अभी यहाँ पे बता रहे फाइबर स्टेज कि जो जब फाइबर होता है, फाइबर मतलब धागा होता है कोई भी फैब्रिक पहले, तो उसको जब वो फाइबर होता है तभी उसे डाई किया जाता है। यू कैन सी इट ओवर हियर, ओके। फिर यार्न स्टेज, जब एम्ब्रॉयडरी हो रही होती है किसी भी चीज की, थ्रेड्स हो रहे होते हैं, तो यार्न स्टेज में उसे डाई किया जाता है। समटाइम्स जैसे हम जो घर पे डाई करने वाले, हम ऑब्वियसली फाइबर स्टेज में नहीं करेंगे, यार्न स्टेज में नहीं करेंगे, हम फैब्रिक स्टेज में करेंगे। तो जो भी हमारे पास एक पूरा जो फैब्रिक होता है, ठीक है, वो फैब्रिक को हम क्या करेंगे, उसे डाई करेंगे। तो अभी ये मेरे पास क्लोथ है, ये मेरे मैंने लैपटॉप के पास रखती हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे ये ब्लैक है और ये क्रीम व्हाइट है। तो मैं जब इसको क्लोजली देख रही हूँ ना, कैमरा के पास ले रही हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि इसका जो डाई हुआ है ना, तो ये फैब्रिक जो है फाइबर में डाई हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ना ब्लैक थ्रेड है, फाइबर्स है और व्हाइट फाइबर्स है, और ये सिर्फ व्हाइट फाइबर्स है। और फिर उसको क्या किया गया है, इंटरलिंक करके ये जो क्लोथ है ये बनाया गया। सी, तो फैब्रिक स्टेज होता है, फाइबर स्टेज होता है, फिर गारमेंट डाइंग होता है। गारमेंट डाइंग का मतलब होता है कि जब वो क्लोथ ऑलरेडी एक गारमेंट बन चुका है, जैसे कोई टी शर्ट है, कोई पैंट है, वो बनने के बाद आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर डाई कर रहे हो। ओके, ऑलरेडी समथिंग इज स्टिच्ड, ओके, इट्स रेडी टू यूज, बट आप उसके बाद उसके ऊपर डाई कर, तो गारमेंट स्टेज ऑफ डाइंग होती है। डेकोरेटिव डाइंग होती है, सॉरी, इसमें टाई डाई मेथड होता है। तो अभी टाई डाई मेथड में अलग अलग टाई डाइज कर किए जाते हैं। अभी फॉर एग्जांपल ये क्लोथ है व्हाइट कलर का, सो दिस इज माय वैसलिन। मैं क्या करूंगी, सपोज मुझे डाई करना है, तो मैंने इसको ऐसे बीच में रख दिया, मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, और मेरे पास मेरा एक बो है,
मैंने इसे बो में ऐसे कर दिया, ठीक है, कुछ प्रोसेस करके, एंड देन मैंने उसको जो भी मेरा कलर्ड डाय है जिसको जो सॉल्यूशन में मुझे उसको डिप करके रखना है, तो उसको क्या होगा, अलग अलग इफेक्ट आएंगे आपके टाई डाइज को. जैसे मैंने आपको टाई डाई टीचर्स बताया? नो मैम. नो, आई शो यू, ये अमेज़न पे है, ये देखिए. अभी ये देखो, ये टाई डाई टीशर्ट्स है, ठीक है. तो ये क्या हो गया, इसके ऊपर ये जो गारमेंट है, ऑलरेडी ये क्लोथ है वो गारमेंट बन गया और उसके ऊपर ही हुआ. तो अभी इसके ऊपर इन्होंने कैसे किया होगा ये टाई डाई? देर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स. जैसे अभी इसमें ये किया है, तो मैं इसका एक दो वीडियो भेजूंगी. मुझे रिमाइंड करना, मुझे आपको जीन्स मेकिंग का वीडियो भेजना है और एक टाई डाई मेथड का वीडियो भेजना है, ठीक है. तो इसको ऐसे कुछ क्लोथ है, ओके, क्लोथ को उन्होंने टाई करके रखा और फिर वो जो सॉल्यूशन है उसमें डिप किया. इसलिए क्या होता है, ये टाई डाई मेथड में अलग अलग प्रिंट्स आते हैं, एक प्रिंट नहीं आता. आपने कभी स्कूल में ये किया है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ स्केच पेन, बट जस्ट टेक इट एज इंक पेन है, ठीक है. दिस इज एक बिल है, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर ऐसे इंक स्प्लैशेस कर दिए, फिर मैंने इसको ऐसे क्लोज किया, एंड व्हेन आई ओपन इट तो इसका एक डिजाइन ओपन हो गया. ऐसे किया है आपने कभी स्कूल में? हैव यू डन दिस? यू शुड डू इट. बेसिकली आजकल कोई इंक पेन यूज करता नहीं है, तो हम बचपन में करते थे. इंक क्या करना, ज्यादा कुछ नहीं किया ना, तो ये भी आप कर सकते हो. एक्चुअली मेरे पास, आई विल जस्ट शो इट टू यू बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा देख लो. आई हैव अ पेपर, या आई हैव अ ब्लैंक पेपर, सो दिस इज अ ब्लैंक पेपर. सो आई डोंट नो इफ आई शुड डू इट, बट ओके, आई हैव अ क्लोथ. सो ये इंक है, ठीक है. तो अभी मैं इंक क्या कर रही हूँ, इसके ऊपर पहले मैं आपको बता दे रही हूँ. देखो, ब्लैंक है, ये इंक है, मैं बस उसके ऊपर इंक जो है स्प्लैटर कर रही हूँ, ठीक है. तो वन सेकेंड, वेयर इज माय पेन. तो यहाँ पे दिख रहा है इंक जो है ऐसे स्प्लैटर हो गई. तो मैं अभी इसे क्या करूंगी, बस ऐसे मैंने क्लोज कर दिया और इफेक्ट दे दिया. सो कैन यू सी दिस, दिस हार्ट इज क्रिएटेड, ओके. सो टाई डाई जो मेथड होता है, टाई डाई मेथड इस प्रकार का ही होता है. इसमें आप क्या करो, ये जो आपका डाई है, डाई आप डालो आपके इसके ऊपर, इसके अंदर, और उसको अलग प्रकार से टाई कर दो और फिर उसके ऊपर डिप करो. तो कुछ कुछ जहां पे ये जो आपने उसे बांधा हुआ है, वहां पे जो वो कलर है वो नहीं जाएगा, ठीक है. बट जो ऊपर का साइड है वहां पे वो कलर जाएगा और वहां पे वो डाई हो जाएगा. सो दिस इज द टाई डाई मेथड, ओके. एवरीबडी क्लियर अबाउट इट? यस मैम. तो इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग टाई डाई मेथड में मार्बलिंग होती है. तो अभी मार्बलिंग में क्या किया, इन्होंने फैब्रिक लिया, उसको क्रम्बल किया एक बॉल में, अलग अलग थ्रेड्स को उसको रैंडमली टाई कर दिया, मार्बलिंग मेथड कर दी. फिर बाइंडिंग मेथड हो गई. बाइंडिंग मेथड में उन्होंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल ये फैब्रिक है, ये फैब्रिक को उन्होंने ऐसे अलग अलग फोल्ड्स कर दिए, ठीक है. और फोल्ड्स करने के बाद उन्होंने थ्रेड से टाई कर दिया और फिर जो भी उसका डाय है उसमें डिप कर दिया. तो ऑब्वियसली अलग अलग लेयर्स में क्या होगा, फॉर्म होगा. अभी फॉर एग्जांपल मैंने ये क्या किया था, ये बस इंक स्प्लैटर की थी, बट जिस तरीके से मैंने उसको फोल्ड किया, उसके ऊपर ये किया, तो ये जो शेप है ये आ गया. तो इसी प्रकार से ये अलग अलग मेथड्स करके क्या करते हैं, नॉटिंग करना. अभी ये क्लोथ ले लिया, ठीक है, ये क्लोथ्स के ऊपर नॉट्स कर दिए, उसको डाय में डिप कर दिया, तो ऑब्वियसली उसका जो इफेक्ट है अलग अलग आएगा. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो टाई डाई टी शर्ट्स में, इसके ऊपर टाई डाई का इफेक्ट अलग है, इसके ऊपर अलग है,
राइट, तो यू शुड डू इट समटाइम, एटलीस्ट ये इंक स्प्लैटर का तो करके देखना चाहिए आपको. फिर फोल्डिंग मेथड है कि क्लोथ को फोल्ड कर दिया और फिर डाई में क्या कर दिया, डिप कर दिया, उसके ऊपर आपका जो टाई डाई टी शर्ट है या फिर जो भी प्रोडक्ट है अलग प्रकार से उसका डाई हो जाएगा. फिर पैक टाइम, पैक टाइम क्या होता है, क्लैम्प्स होते हैं मटेरियल्स को, तो जस्ट यहाँ पे दिया गया है पैक टाइम. एक मिनट, ये देखिए जो क्लैम्प्स होते हैं ना क्लोथ्स, तो उसके क्लैम्प्स उन्होंने क्या किया, ये करके उसको पैक टाइम कर दिया. सो दिस इज पैक टाइम. देन है ट्रिटिक. ट्रिटिक में क्या होता है, कोई भी रनिंग या फिर पुल करके आप टाई कर रहे हो कोई भी टाई को, उसे ट्रिटिक बोलते हैं. तो अभी यहाँ पे टाई डाइड फैब्रिक्स, पटोला फैब्रिक और बादनी फैब्रिक, देखो मैंने बादनी का बताया था, तो बादनी फैब्रिक में क्या होता है, वो टाई डाई ही किया जाता है. फिर बाटिक है, बाटिक मैं बता देती हूँ. या तो ये भी एक दरवाजे लाओ, इसे इधर कसा धीरे धीरे स्कूल लाइए, बस बस. तो ये देखे, ये बाटिक प्रिंट भी है. ये क्या है, ये एक टाई डाई मेथड ही है. इसके ऊपर अलग अलग प्रोसेस करके फिनिशिंग करके इसे बनाया गया है. यहाँ पे देखो ये क्या कर रहे हैं, इनका जो ये पेन है, ये पेन के अंदर डाई है और वो डाई से वो क्या कर रहे हैं, डिजाइन बना रहे हैं. तो ये हो गया बाटिक प्रिंट. फिर प्रिंटिंग तो हमें पता है, प्रिंटिंग में ब्लॉक प्रिंटिंग है. ब्लॉक प्रिंटिंग बता दूं एक बार सबको, इसी ब्लॉक प्रिंट. ये जो ब्लॉक्स की मदद से किया जाता है इसे बोलते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग. ओके, सो दिस आर ऑल मेड विथ ब्लॉक्स. देन स्क्रीन प्रिंटिंग. स्क्रीन प्रिंटिंग हमने पहले ही देख, एक मिनट मैं बोलते हैं, ठीक है. ये देखो अभी स्क्रीन प्रिंटिंग में ये जो स्क्रीन प्रिंट है ये मैनुअल स्क्रीन प्रिंट है, ठीक है. तो इसके अंदर डिजिटल स्क्रीन प्रिंट भी आती है, इससे आप क्या कर सकते हो, आपका जो फैब्रिक है अलग अलग प्रिंट्स देखे उसे बना सकते हो. ओके, ये देखिए दिस इज स्क्रीन प्रिंट. पूरी स्क्रीन को प्रिंट करके उसे किया जा रहा है. जैसे टी शर्ट्स भी आते हैं आजकल, तो वो कैसे करते हैं, उसे स्क्रीन प्रिंटिंग ही किया जाता है. एवरीबडी क्लियर विद ब्लॉक प्रिंटिंग एंड स्क्रीन प्रिंटिंग? यस मैम. यस मैम. यस मैम. ये दिस इज रोलर प्रिंट. ओके, ये रोलर्स में मैंने बताया है, डिजिटल प्रिंट या फिर रोलर्स पे कुछ स्टेंसिल्स होते हैं उसके थ्रू क्या होती है, उसके ऊपर प्रिंट की जाती है. सो दिस इज रोलर प्रिंट. यहाँ पे देखिए फैब्रिक, फिर इसके ऊपर स्क्रीन लगाया गया है, कलर रिजर्वर है जो मैंने पिछले इमेज में बताया था, और उसके ऊपर फिर प्रिंट्स हो रही है. एंड देन द लास्ट वन इज स्टेंसिल प्रिंट. बस अपन सब शांत बस अपन, ठीक है. मी झाला माझा क्लास आता. ये स्टेंसिल प्रिंट है, तो ये स्टेंसिल्स है, ठीक है. यहाँ पे देखो ये W का स्टेंसिल बनाया गया है और उसको स्पॉन्जिंग मेथड से क्या किया गया है, स्टेंसिल प्रिंट किया गया है. सो दिस इज स्टेंसिल प्रिंट. यहाँ पे देखो आप घर पे भी स्टेंसिल बना सकते हो पेपर के ऊपर, जैसे मैंने टी शर्ट के ऊपर आपको बोला है. जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल
अंशुल का नाम ए से है, सिद्रा का नाम एस से है, आपका पी से है, प्रियंका का, मारिया का एम से है, तो आप घर पे स्टेंसिल बना लो या फिर कोई इसका ये बना लो, फिर उसको फैब्रिक स्पॉन्ज में ये करके आप क्या कर सकते हो, आपके टी शर्ट के ऊपर, आपका जो जो भी कुर्ता है उसके ऊपर आप उसे इफेक्ट दे सकते हो स्टेंसिल प्रिंट की, ये कर खुद के घर घर पे स्टेंसिल बना के। सो ब्लॉक प्रिंटिंग वी आर क्लियर विथ। या वी आर क्लियर ऑलमोस्ट। सो व्हाट हैव वी लर्न्ड, सो दिस इज देयर। अगर आपको ये चैप्टर में कोई डिफिकल्टी है तो प्लीज गेट बैक टू मी, आई विल क्लियर योर डाउट्स। और वैसे भी एग्जाम के वक्त फिर से ये जो चैप्टर्स है रिवाइज हो गए ही, सो प्लीज नोट डाउन अगर कोई डिफिकल्टी है तो। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू अबाउट ऑल दिस थ्री चैप्टर्स, फैब्रिक्स के ऊपर जो भी चैप्टर्स हैं। ओके, तो इसके एट टर्मिनल क्वेश्चन है, प्लीज सॉल्व ऑल दिस एट टर्मिनल क्वेश्चन। एंड श्रीनिवास, यू गेट बैक टू मी और गेट इन टच विथ सिद्रा। मैंने सिद्रा को कल सब चीजें बता दी है कि कौन से चैप्टर्स हमारे हुए हैं, कैसे कंप्लीशन करना है, क्या करना है, बिकॉज यू आर अ न्यू स्टूडेंट। ओके, सो ऑल ऑफ यू आई एम सो सॉरी, टूडे देर इज एन इवेंट टूडे एंड टूमोरो, सो देर विल बी सम डिस्टर्बेंसेस, बट आई होप यू डोंट माइंड। बट इवन इफ कुछ आपको डिफिकल्टी आ रही है समझने के लिए, यू कैन ऑलवेज व्हाट्सअप मी कि मैम थोड़ा सा आवाज का दिक्कत आ गया था, मुझे ये समझ में नहीं आया, आई विल गेट बैक टू यू। ओके, सो ऑल ऑफ यू हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।